नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कैसा हो जब पारंपरिक भारत की प्राचीन कला, संस्कृति और शिल्पकला की सुंदरता के साथ आध्यात्मिकता का संगम एक साथ देखने को मिले। यकीनन यह अद्भुत अकल्पनीय होगा। देश की राजधानी दिल्ली में बना एक ऐसा विशालकाय परिसर जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह दर्ज कराई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अद्भुत अक्षरधाम की। भगवान स्वामी नारायण को समर्पित एक पारंपरिक मंदिर भारत की प्राचीन कला, संस्कृति और शिल्पकला की सुंदरता और आध्यात्मिकता की झलक प्रस्तुत करता है। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे स्थापित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर 10,000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति के प्रतीक को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। इस मंदिर की खासियत यह भी है कि इसमें स्टील, इस्पात या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, कुछ इस तरह के भाव उमड़ते हैं हृदय में जब दीदार होता है दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का। देश की राजधानी दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर 1 अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। यह भव्य मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। अक्षरधाम मंदिर पारंपरिक भारत की प्राचीन कला, संस्कृति और शिल्पकला की सुंदरता के साथ साथ आध्यात्मिकता की झलक प्रस्तुत करता है। यह परिसर 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर बाकी इमारतों की तरह प्राचीन तो नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में इसकी लोकप्रियता फैली है उसने इसे देश और दिल्ली के अहम दर्शनीय स्थलों में शुमार करा दिया है। दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर 10,000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति के प्रतीक को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। इस मंदिर की खासियत यह भी है कि इसमें स्टील, इस्पात या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दिल्ली शहर लोगों को आकर्षित करने वाला शहर है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का माहौल लोगों को आकर्षित करता है, और इस आकर्षण में एक और बड़ी वजह बन गया है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। यह मंदिर विश्व के विशालकाय मंदिरों में से एक है। इसका विशाल आर्किटेक्चर इसके इतिहास को बयां करता है। आइए इस मनमोहक और विशाल मंदिर की कुछ बातों को जानें। अक्षरधाम मंदिर अब देश की राजधानी में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक सांस्कृतिक स्थान के तौर पर स्थापित है। इस मंदिर में सनातन वैदिक साहित्य, संस्कृति और कलाकृतियों को बेहद मनमोहक अंदाज में दर्शाया गया है। यह मंदिर यमुना के तट पर बना हुआ है।
अक्षरधाम मंदिर वास्तुशास्त्र और पंचरात्र शास्त्र के अनुसार बनाया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में अभिषेक मंडप, सहजानंद वाटर शो, थीम गार्डन और तीन प्रदर्शनियां लाइफ ऑफ वैल्यूज, नीलकंठ दर्शन और संस्कृति दर्शन है। स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुसार अक्षरधाम शब्द का अर्थ भगवान के घर से है और भगवान के भक्तों का ऐसा मानना है कि अक्षरधाम भगवान का निवास स्थान हुआ करता था। स्वामीनारायण अक्षरधाम कॉम्प्लेक्स का मुख्य आकर्षण अक्षरधाम मंदिर है। ये 141 फुट ऊंचा, 316 फुट फैला और 356 फुट लंबा है। बेहद भव्य तरीके से इसमें फूलों, पशुओं, नर्तकों, संगीतकारों और अनुयायियों की कलाकृतियां हैं। इस पूरे मंदिर के निर्माण के दौरान वास्तुकला के आधार पर ही इसकी संरचना की गई। इसे मुख्य रूप से राजस्थानी गुलाबी पत्थर और इटालियन कारारा मार्बल से बनाया गया। इसका निर्माण हिंदू शिल्प शास्त्र के अनुसार ही किया गया है। कई ऐतिहासिक मंदिरों की तरह इसमें भी मेटल का उपयोग नहीं किया गया है। इसे बनाते वक्त स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। इस मंदिर में 234 आभूषित किए हुए पिल्लर, 9 गुंबद, 20,000 साधुओं, अनुयायियों और आचार्यों की मूर्तियां हैं। मंदिर के निचले भाग में गजेंद्र पीठ है, जो गज को समर्पित एक स्तंभ भी है, क्योंकि वैदिक सनातन साहित्य और संस्कृति में हाथी यानी गज को बहुत महत्व दिया जाता है। यही वजह है कि यहाँ 148 विशाल हाथी बनाए गए हैं, जिनका वजन तकरीबन 3,000 टन होगा। मंदिर के बीच के गुंबद के नीचे विशालकाय और बेहद आकर्षक स्वामीनारायण भगवान की अभय मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति है। स्वामीनारायण मंदिर ऋषि और संत परंपरा के विचारों की प्रतिमाओं से घिरा हुआ है। स्वामीनारायण मंदिर में बनी हर एक मूर्ति वैदिक परंपरा के अनुसार पंच धातु से बनी हुई है। इस मंदिर में स्वामीनारायण के अतिरिक्त भगवान राम और मां सीता, श्री कृष्ण और राधा, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की भी मूर्तियां हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अक्षरधाम मंदिर का नाम शामिल है। अक्षरधाम मंदिर को दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की एक और विशेष बात है, इसे बनाने में सिर्फ 5 साल का वक्त लगा। ये वाकई हैरान करता है। तकरीबन 11,000 कलाकारों और अनगिनत सहयोगियों ने मिलकर इस विशाल मंदिर का निर्माण किया। नवंबर 2005 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। अक्षरधाम मंदिर का एक और आकर्षण गार्डन ऑफ इंडिया है। गार्डन ऑफ इंडिया 60 एकड़ के हरे भरे लॉन, बाग और कांस्य की उत्कृष्ट प्रतिमा के साथ साथ भारत के बाल वीरों, वीर योद्धाओं, राष्ट्रीय देशभक्तों और महान महिला विभूतियों को समर्पित है। उन्हें जो मूल्यों और चरित्र के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर की मुख्य इमारत एक सरोवर से घिरी हुई है, जिसे नारायण सरोवर कहा जाता है। इसमें देश की तकरीबन 151 विशाल सरोवर और नदियों का पानी भरा हुआ है। सरोवर के पास में ही 108 गोमुख भी बने हुए हैं और माना जाता है कि 108 गोमुख 108 वैदिक सनातन आराध्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सुंदर और मनमोहक मंदिर में आकर्षित करने वाला एक म्यूजिकल फाउंटेन शो भी है। ये शो हर शाम 15 मिनट तक होता है। शो में जीवन चक्र भी दिखाया जाता है।
जो इंसान के जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर खत्म होता है। इसे दिखाते वक्त ही म्यूजिकल फाउंटेन का उपयोग किया जाता है। अक्षरधाम मंदिर में एक और आकर्षित गार्डन है जिसे कमल बाग भी कहा जाता है। इसका नाम इसके आकार के आधार पर ही रखा गया है। ये गार्डन पवित्रता का स्वरूप है। अक्षरधाम में दर्शनार्थियों के आकर्षण के लिए बहुत सी चीजें हैं। इस मंदिर में बहुत सी इमारतें और आकर्षित स्तंभ बने हुए हैं जो भारतीय इतिहास की महानता और संस्कृति को दर्शाते हैं। याज्ञना पुरुष कुंड में स्थित संगीतमय परिसर का एक और प्रमुख आकर्षण है। यहाँ एक वैदिक यज्ञ कुंड और एक संगीतमय फव्वारा एक दुर्लभ संयोग है। कुंड या स्टेपवेल दुनिया का सबसे बड़ा स्टेपवेल है। शाम को यहाँ पर संगीतमय फव्वारा चलाया जाता है। साथ ही यहाँ भारत में गणित के उन्नत ज्ञान को परिभाषित 108 पंखुड़ियों वाला कमल भी है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण 3 प्रदर्शनी है जो हॉल ऑफ वैल्यूज से लेकर विशाल पर्दे पर फिल्म और कल्चरल बोट राइड है, जिन्हें देखने के लिए कुल 105 मिनट का वक्त लगता है। हॉल ऑफ वैल्यूज 50 मिनट का शो है। अहिंसा, ईमानदारी और आध्यात्मिकता का उल्लेख करने वाली फिल्म और रोबोटिक शो के माध्यम से ये चिरस्थायी मानव मूल्यों का अनुभव है। हॉल ऑफ वैल्यूज एनिमेटेड रोबोटिक्स का उपयोग कर भगवान स्वामी नारायण के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दर्शाता है। इन घटनाओं से हमें शांति, सद्भाव का संदेश मिलता है। साथ ही ये घटनाएं हमें विनम्रता, दूसरों के लिए और सर्वशक्तिमान से भक्ति करने के लिए प्रेरित करती हैं। हॉल ऑफ वैल्यूज आपको उसी वक्त में, उसी दौर में ले जाता है। दूसरा आकर्षण विशाल पर्दे पर फिल्म है। नीलकंठ नाम के 11 वर्षीय योगी की अविश्वसनीय कथा के माध्यम से भारत की जानकारी दी जाती है, जिसमें भारतीय रीति रिवाजों को संस्कृति और आध्यात्मिकता के माध्यम से जीवन दर्शन में उतारा गया है। इसकी कला और शिल्प कला का सौंदर्य तथा अविस्मरणीय दृश्यावलियों, ध्वनियों और इसके प्रेरक प्रसंगों से शक्ति का अनुभव कराया जाता है। तीसरा आकर्षण है कल्चरल बोट राइड। भारत की शानदार विरासत के 10,000 वर्षों का सफर कराती है ये बोट। भारत के ऋषियों, वैज्ञानिकों की खोजों और आविष्कारों की इसमें जानकारी दी जाती है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला, अजंता एलोरा की गुफाओं से होकर निकलना और प्राचीन काल से ही मानवता के प्रति भारत के योगदान की जानकारी यहां मिलती है। और उसके बाद लेजर शो यानी जीवन चक्र संध्या काल के बाद यहाँ का दर्शनीय कार्यक्रम होता है, जिसमें भारतीय दर्शन के अनुरूप जन्म, जीवन काल और मृत्यु चक्र का उल्लेख किया जाता है। यकीन मानिए, इस शो को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी के इन फव्वारों से आप बात कर रहे हो, या फिर ये फव्वारे झूम झूम कर कहानी बयां करते हो। ये अपने आप में कभी ना भूलने वाला पल साबित होता है। हजार कारीगर,
3000 से ज्यादा स्वयंसेवक और एक बड़ा लक्ष्य। नतीजा, 5 साल में देश की राजधानी में यमुना किनारे बनकर तैयार हुआ विहंगम स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के मुताबिक हमें अक्षरधाम की व्यापक वास्तुशिल्प योजना का अध्ययन और दूसरे मंदिरों से उसकी तुलना करने के दौरान 3 महीने का वक्त लगा। उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाने का अधिकारी है। इस मंदिर परिसर का उद्घाटन 6 नवंबर 2005 को किया गया। तब से अब तक दुनिया की कई सम्मानित शख्सियत इस मंदिर में आ चुकी हैं। गौरतलब है कि इस मंदिर को वास्तुशास्त्र और पंचरात्र शास्त्र की बारीकियों को ध्यान में रखकर बनाया गया। पूरा मंदिर परिसर 5 प्रमुख भागों में विभाजित है। मुख्य मंदिर परिसर के ठीक बीचों बीच यानी केंद्र में स्थित है। इस 141 फीट उच्च संरचना में 234 शानदार नक्काशीदार खंभे, 9 अलंकृत गुंबद, 20 शिखर, 1 भव्य गजेंद्र और 20,000 मूर्तियां शामिल हैं। साथ ही यहां दिव्य व्यक्तित्व, ऋषियों, भक्तों और संतों की प्रतिमाओं को भी बनाया गया है। स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने अपने कार्यकाल में अहमदाबाद, भुज, धोलेरा और जूनागढ़ में भव्य शिखरबद्ध मंदिरों का निर्माण किया था। यह मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। आज उनके अनुयायी विश्व भर में फैले हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वे मंदिरों को सेवा और ज्ञान का केंद्र बनाकर काम कर रहे हैं। बोचासण वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS ने देश विदेश में 713 भव्य मंदिरों का निर्माण कराया है और ऐसे ही कई विशाल मंदिरों का निर्माण कार्य जारी है। BAPS के नाम से कई संस्थाएं चलती हैं, जिनमें नशा मुक्ति अभियान काफी प्रचलित है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भगवान स्वामीनारायण को समर्पित ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है, जो शिल्प कला की सुंदरता के साथ साथ आध्यात्मिकता, प्राचीन कला और संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।